ज अमन फॉर ऑल द एक्सपेयरिंग बहुत सारे बच्चों का मैंने डाला था जहां पर मैंने लिखा था डी आर आई सी आई इट हर्ट एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्सके प्रोसेस डाला आईसीआई का स्टिल वी आर फाइटिंग बट हमें ये पता है क्या होगा बट स्टिल लोग ऐसे तो चुप बैठेंगे नहीं फिर तो बहुत सारे बच्चों एक कमेंट आया था कि सर मे ट्वेंटी का जो सी फाइनल का जो पेपर आया था जो आप कह रहे कि भी हो कि भैया मॉडल से आया था कहाँ से क्या आया था तो मैंने बैठ के पूरा एक एक, एक एनालिस किया जब पेपर आता है तो एज अ टीचर हम देख ही लेते तो हमें आइडिया होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आया फिर जिन बच्चों ने कमेंट किया उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आए बाकी लोगों के लिए बेच तो एन आई ओपनर वीडियो कि पेपर कहाँ से आता है

यार आपको पास हुए दो या तीन अटेम्प्ट हुए या एक ही अटेम्प्ट हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नहीं पता पेपर कहाँ से आया एटलीस्ट आप मासेस को आप वन टू मेनी प्लेटफॉर्म पर आके अगर आप नेगेटिविटी फैला रहे हो तो वो बच्चा डर जाता है मैं आपको एक एक क्वेश्चन क्योंकि सजेस्टेड आ चुका है मॉड्यूल से मैच करा दूंगा कहाँ से क्या पेपर आया ठीक है तो हम बात करते हैं मे ट्वेंटी के सी फाइनल के पेपर की ये इंपॉर्टेंट वीडियो इसीलिए कि आई यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल नवंबर नवंबर 24 मई मई 25 November 25 May 26 पेपर मॉड्यूल से, से, से ही आता है जो बच्चे क्या होता है cooks, हो। ये टीचर का कलरफुल नोट्स चाहिए ये चार्ट्स चाहिए अरे चार्ट्स मतलब क्या उड़ते हुए चार्ट्स ठीक है समझ रहे हो ना तुम

SQC1 के दो क्वेश्चन थे मतलब में में एक में तो ऐसे के प्लस 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 तो उन्नीस, उन्नीस इंस्टीट्यूट भर भर ने जो एक्सपेक्टेड नहीं था बारह प्लस पांच सत्रह माह का पी आनोलेगेशन पांच माह का एस आर एस पांच मार्क का ई एस डी जो नया चैप्टर है चार माह का एस आर

ये वीडियो अंत तक जरूर देखना बेटा इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट जहां पर आपको समझ में आए कि भैया हमसे गलती कहां हो रही है देखो सबने कहा कि ठीक है हमारी गलती है अरे हमारी गलती, हमारी गलती मान रहे ना अब वो गलती वापस से नवंबर 24 में मई 25 नवंबर पच्चीस में दोहराव नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब लोग क्या करते है? टीचरों की बुक ले लेते हैं इंक्लूडिंग माई बुक ऑल्सो ठीक है मेन बुक क्वेश्चन बुक सब पढ़ लिया ये वो हो गया सर टेस्ट दे और टेस्ट टेस्ट पेपर है से पेपर नहीं आता अगर आप कोई बच्चे किसी ने क्लेम किया है कि मेरी मेरी टेस्ट सीरीज से पेपर आया है मेरी फोर्टी नाइन रुपीज नाइनटी नाइन रुपीजी उनको बताओ अरे उल्लू बनाना बंद कर दो पेपर तुम्हारी टेस्ट सीरीज से नहीं आया था पेपर मॉड्यूल से आया था मॉड्यूल मॉड्यूल पेपर मॉड्यूल से आया है 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 तो अगर ये बच्चे जो बच्चा अभी भी नहीं समझ में आता अरे और ये टेस्ट इनके टेस्ट सीरीज सीरीज इनके इनकेटी परसेंट पेपर आया अरे नहीं पेपर मॉड्यूल से आता है ठीक है अभी एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं प्लीज वॉच इफ यू वॉन्ट टू वॉच इन वन पॉइंट फाइव एक्स और टू एक्स टू यू वॉच इट बट यू नीड टू रियलाइज अ फैक्ट पेपर कहां से आता है ठीक है पहला क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन नंबर वन है पूरा स्टोरी था जो उन्होंने क्रैश कोर्स लिया उनको पता होगा ये बात मैंने उनको पूरा पेपर सॉल्व करवा के दिया मैं सीधा पढ़ता हूँ मेटर्स टू बंसर विद रिपेक्टेंस एंड कंटेन्स क्लाइंट रिलेशनशिप कंसरिंग अबूज ठीक है पूरी कहानी होती है अब क्या कम एस क्यूसी वन का जो क्वेश्चन नहीं है ठीक है इसमें क्या होता है कि एक्सेप्टेंस एंड क्लाइंट रिलेशनशिप ये वाली बात एस ए टू ट्वेंटी में भी लिखी है एसक्यूसी व में भी लिखी हुई है कि अगर आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो लाइक अगर आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहते हो ठीक है थीके? तो किन बातों का आपको ध्यान रखना इट्स एन ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन इट इज एन ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन आपको जो मेरा पहल क्वालिटी uh, कंट्रोल वाला जो चैप्टर है अपना जिसका आंसर होता है आईसीसी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप

ये क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन नंबर थ्री अपने फैक्टर्स टू एथिकल बाई ये मेरे क्लास के हैंड रिटर्न नोट्स है किसी बच्चे ने लिखे मैंने डिक्टेट किया उसने कॉपी करके दिए सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन है पेपर का अपने नोट्स का क्वेश्चन नंबर थ्री जिसने हमसे पढ़ा उनको पता होगा ये चीज कहां से आया बेटा पेपर मॉड्यूल से आया क्वेश्चन एक्सेप्टेंस एंड कंटेंट्स ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप इफ यू चेक द आंसर इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट कॉम्पिटेंस एंड कंप्लाइंस वो उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर क्वेश्चन कंक्लूजन पहला क्वेश्चन मैच सेकेंड क्वेश्चन सेवन जीरो भी बहुत पुराना ये भी अपनी बुक स्टोरी चेंज कर दिए लोग ने क्वेश्चन क्या पूछा आपको ऑडिट रिपोर्ट लिख दे ड्राफ्ट सुटेबल ओपिन पैरा बेसिस विदक्लोजर ऑफ नोट ट्वेंटी विदेलब प्लेस इनऑर्डर अभी नोट ट्वेंटी अगर डिस्कलोज करने को बोला है तो मतलब क्या होगा एक ऐसी बात है जो भैया कर रही है तो ई एम वाला पैरा आ गया ओपिनियन पैरा बनाना था आपको साथ में ई एम लिखना था अब इसके दो आंसर हो सकते हैं जो एक आंसर जो आईसीआई ने दिया हुआ है ठीक है अब आधे बच्चे ऐसे सात सौ सात सौ पांच तक पहुंचते ही नहीं है क्यों क्योंकि वहां पर सर क्या करने का अपने भैया पूरा फॉर्मेट आपको याद नहीं कर आपको ओपिनियन पैरा आना चाहिए और हर अटैम्प में ओपिन पैरा ड्राफ्ट करने को आ रहा है ठीक है तो यहां पर आपने ओपिनियन पैरा लिख दिया पर फिर ये लोग ने क्या लिखा बेसिस वाला लिखा और नीचे आ गया आपका पैरा एम पैरा अब यहाँ पर जो है वो गोइंग कंसर्न का अफेक्ट हो रहा था वहां पर तो अगर आपको करना है वहां पर एडवर्स ओपिनियन भी दे सकते हो एडवर्स ओपिनियन देने के बाद आई कैन राइट द बेसिस वाला एडवर्स में एंड नीचे EUM में भी वापस से अगर आपने एडवर्स नहीं दिया आपने क्लीन ओपिनियन दिया ठीक है तो मटेरियल अनसर्टेन वो जीसी को अफेक्ट कर रही थी बेसिकली अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे वहां पर वो जीसी को अफेक्ट कर रही थी

अपलाइड कैटर एस पर एलिमेंट एसए समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बी के एंगेज्ड टू रिपोर्ट में समरी फाइनेंशियल समरी वाली जो बात है 810 में होती है मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर टू समरी का क्वेश्चन 810 ये तो रिलेटेड है स्पेशलाइज वाले में ना ये मॉड्यूल के पेज में हूं मैं 8.31 मॉड्यूल के टेस्ट योर में क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है लिस्ट आउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स डिटरमिनेशन ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट ऑफ समरी एफएस इंसट्यूट ने बोले रेफर 4.2 मतलब आंसर यही है 4.2 पे भी दिखा दो आपको

अब कोई टीचर चिल्ला चिल्ला के टीचर थोड़े यूट्यूबर पागल तो पेपर बाहर से था क्वेश्चन नंबर तो पूरे बाहर से था अब एक मॉडल के पीछे से क्वेश्चन नंबर टू से आया है हमने तो किया ही नहीं क्यों हम तो यूट्यूबर पर विश्वास करेंगे ना अरे सर आपका तो रैंक आया था अरे उसको रैंक आया वो पढ़ा तुम नहीं पढ़े तुम्हारा लेवल अलग है तुम ध्यान नहीं दिए नहीं नहीं उसने बोला भैया भैया अरे भैया भैया ले गए तुम्हारी ले गए ना लग गए

जब क्वेश्चन में बोला गया उसने वो आउटसोर्स कर उसने सर्विसेज। ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम तो ये बात कानी फोर जीरो टू में लिखी हुई है पेज नंबर टू पॉइंट फोर सिक्स 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 पॉइंट सिक्स टू पॉइंट फोर सिक्स Effectiveness of control to support the users' entry assessment by so and so. Two point char factors. The notes. Me. Controls. Per. Then. Next. नेक्स्ट क्वेश्चन था एथिक्स में सूट करा है कि कुछ ऐसी बातें तो जो हम लोग को बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंशियल प्रिंसिपल होता है बट कुछ बातें हमें बतानी पड़ती है इवन तो हमारा कॉन्फिडेंशियल प्रिंसिपल है वो लॉ ने बोल रखा है ठीक है डिपार्टमेंट की कोई रेड हो रही है तो ये मॉड्यूल का नाइनटीन ये ना whether disclosure is required by law whether disclosure is permitted by law and authorized by the client uh, there is a professional duty or right to disclose which when not prohibited by law ye char point ye yeah. model page 19.9 then 2c एक्सपेक्टेड था ऑडिट ट्रेल का नया कॉन्सेप्ट आया था नया कॉन्सेप्ट आया था Suggest in the list of internal controls which may be required to be implemented and operated to demonstrate the auditory ed, or, or edit log facility feature which was functional and operated and was not dis disabled. helps CAA. So, this is a question from internal white chapter page number 16.26. Yeah. An illustrative list of internal controls which may be required to be implemented and operated are given below. Yeah. This was the answer. मॉडल 16.26 पीपल हु हैव रिटन द नोट्स आपने अपने नोट्स में देखा होगा आपने लिखा ऑडिट ट्रेल कांसेप्ट वहां पर इंपॉर्टेंट भी मार्क किया हुआ है क्योंकि नई चीजें जितने भी न्यू चीजें इंश्योर ने पूछी है वो पूछी है। जो मॉडल में न्यू कांसेप्ट्स आए थे सारे पूछे इंश्योर ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 है इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन 3 बैंक वो लोन देना चाह रहा है बेस्ड ऑन बैंक द्लीकेशन बैंकोच टू इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस फॉर जजिंग एक्यूरेसी ऑफ ऑफ़ प्री पेमेंट कोर लिमिटेड ठीक है ओल्ड मॉड्यूल का क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन सेवन तो इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर में जाने का जनरल बैंकोर्ट कंपनी अगर ये इन द इनवे बिफोर सबमिटिंग रिपोर्ट तो रिपोर्टिंग वाला पॉइंट नहीं करना को इन्वेस्टिगेशन था सेम क्वेश्चन मॉड्यूल का थ्री बी एस ए फाइव एटी डब्बू आर का क्वेश्चन ये मॉडल का क्वेश्चन है इसमें इसमें इसने डायरेक्ट पूछा है कि भैया आप मुझे बताओ कि जब डब्लू आर जाता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 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 क्या डेट इसमें दो तीन एक्स्ट्रा चीजें भी पूछी ठीक है रिगार्डिंग द डेट एंड द पीरियड कवर बाय डब्ल्यू आर इसमें क्या पूछा स्टिल कंफ्यूजन रिमेन्स रिगार्डिंग द डेट एंड द पीरियड कवर डब्बल्यू यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज एंड द पीरियड कवर बाय डब्ल्यू आर अब जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था इसी का एडवांस वर्जन आया

कि उस उसपे बताओ मुझे कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पूरे करंट मैनेजमेंट की जितने भी जो भी पीरियड ऑडिट रिपोर्ट में लिखा उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो ऐसे 580 का क्वेश्चन क्वेश्चन मॉडल नंबर क्योंकि थियरी तो सेम थी ना कल क्वेश्चन थ्री सी सेक्रेटरी तो जो रेगुलेशन होते हैं ना 191 वाली रेगुलेशन 191 नाइन इलेवन वन टू बिजनेस वाले उसमें से आया क्वेश्चन नया है क्योंकि सेक्रेटरी वाला क्वेश्चन नहीं आया था कभी भी एक्सेप्टेड देंट कमेंट एज पर सी एक् नाइनटीन फोर्टी नाइन तो दिस वॉज अगेन इलेवन वन वन पे क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन बट सेट्री वाली बात रेगुलेन वन नाइन में सीखते हो जाकि हमारे पार्ट वन फर्स एडम लिख हुई है तो इट वॉज अच्छे फोर एंड वॉट एस्पेक्स ये लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर है the firm undertakes statutory audit of large listed companies across various industry sectors more than 50 qualified professional he has been assigned as an EQCR for engagement of a listed company what क्या पूछ रहे व्हाट आर द एस्पेक्ट विच विल बी लुक्ड इनटू बाय सीए गिरी एज एन ईक्यूसीआर इन रिलेशन टू द एंगेजमेंट ठीक है ये yeah. ला। What factors are included in the engagement quality control review for audit of FSF listed company? Question number five of the notes. आठ। कोई नया आंसर नहीं है, पुराना ही आंसर है। मॉड्यूल का ही कंटेंट है। खाली क्या बराबर लिखवा के दिया था। लिखा लोगों ने, पढ़ा लोगों ने और जाके एग्जाम में लिखा। ठीक है? सेम मॉड्यूल के पेज नंबर 1.11 पे आपको मिल जाएगा। ना 4B।

और कंपाइलेशन का डिफरेंस वाला आंसर था और अपन कहते थे कि SQC1 तो बाप होता सबको लगता है वो लास्ट में वो उसने ठोक दिया अब ये ना हाउ क्वेश्चन नंबर थ्री देखो हाउ इज रिलेटेड सर्विस डिफर फ्रॉम अश्योरेंस एंगेजमेंट हाउ डू रिलेटेड सर्विस डिफर फ्रॉम अश्योरेंस एंगेजमेंट

पड़ेंगे हेडिंग तो याद करनी है, करनी है एमसीक्यू में भी आ सकते प्लस उसके अंदर के जो मसाल है चार पांच मार्का वो याद करना ही पड़ेगा चार पांच माह का क्वेश्चन एग्जाम में आज भी दिख सकता है कोई भी प्रिंसिपल आने की फुल संभावना है ठीक है दिस वॉज फोर फाइव

रिलेट्स टू और क्वेशन नंबर हुआ, हुआ है सब लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर नाइन नोट फाइव बी ठीक है ये लिस्ट कम नहीं थी इसमें अपने को बताना था अकाउंट एडवाइस ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिस्पेक्ट टू तो दबॉव कॉम्पोनेट्स कॉम्पोनेट्स की ऑडिट का तो कॉम्पोनेंट ऑडिट का जो क्वेश्चन आता है वो आता है ग्रुप ऑडिट से ये रहा मॉड्यूल और अगर मैं अपनी बुक देखो अपनी बुक का ग्रुप ऑडिट चैप्टर का लास्ट में एकदम जो लास्ट क्वेश्चन है ना वहां पर लिखा कि इट्स तो अ न्यू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व नोट कॉम्पोनेंट पर है ठीक है नाउ फाइव सी पी का क्वेश्चन ओल्ड मॉडल का क्वेश्चन है ये तो नोक्लार no क्या पूछा ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू सी आर द प्रोविजन ऑफ 250 टू फिफ्टी इन ऑफ नोक्लार

इनकम टैक्स वाला पार्ट जो डिसक् नहीं किया था क्लास नंबर एटीन के तहत भी, भी आपको रिपोर्ट करना था बहुत ही ईजी क्वेश्चन था सिक्स एक पी का नया क्वेश्चन मिला था अपने कारो का नया क्वेश्चन और एक का नया क्वेश्चन बी

एंगेजमेंट पढ़ना सजेस्ट फोर प्रोसीजर्स टू बी फॉर फॉर प्रोडेंशियल प्रोडेंशियल की बात आती है कौन सा चैप्टर से सर एनबीएफसी वेरी 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 ओल्ड क्वेश्चन एनबीएफसी का क्वेश्चन मॉडल पेज नाइन एट एनबीएफसी के अपने में भी, अपने, वो कपी, कपी वाला, फिर सिक्सी का में दो क्वेश्चन थे तो ये एक नया क्वेश्चन आया था जहां पर अपने को वो फीस वाला बताना था कि सर ये तो नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट है तो आपको फीस चार्ज करने को कर लो कोई दिक्कत नहीं पर तो ये न्यू क्वेश्चन पहले नहीं था इसके सिमिलर पे था पर वो डायरेक्ट क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया हुआ clients. तो वो वाले पे था। हो गया मैच हो गया पी का एक नया क्वेश्चन कारो का एक नया क्वेश्चन का एक नया क्वेश्चन और पी का जो इलेवन से मैच हो गया मैंने आपको हर एक पेज लिखा हुआ है जिस भी बच्चों को चाहिए कमेंट पागल से मत करना के सर प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट प्लीज शेयर द पीडीएफ फोटो ले लो इसका एक मिनट अब इसकी फोटो ले लीजिए

अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं मैं तो यहीं बैठा हूं तो फिर अगले अटैम्प में लेकर आऊंगा क्योंकि हर अटैम्प में लेकर भैया मॉड्यूल कर लो करो चीजें याद करो लिखो याद करो और लिखो बिना याद के कुछ भी नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा हाँ जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट बताए आपको नीचे वेबसाइट दिख रही है अपनी लेट्स इंडिया वाली गो टू लेट इंडिया डॉट इन ठीक है किसी को भी अगर कोर्स चाहिए तो फाइनल में जाइए आप जाइए ऑडिट के अंदर एनी ऑफ योर यू इज अपेयरिंग फॉर मे ट्वेंटी है एग्जाम ओरिएंटेड भी 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 है भी है भी है है सब है सब है हिंदी वाला वाला इंग्लिश सब सब ठीक एग्जाम ओरिएंटेड इंग्लिश रेगुलर बैच दिस इज हिंदी एंड हंड्रेड परसेंट इंग्लिश देन क्रैश कोर्स जो अभी हमने बॉम्बे में लिया था एंड उसी का हम रिकॉर्डिंग दे रहे दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड दिस हंड्रेड परसेंट इंग्लिश एंड दिस इज हिंदी इंग्लिश सो दिस आर द फोर प्रोडक्ट्स फॉर ऑडिट थोड़ी English English, English देर में एंड ये मई पच्चीस नवंबर पच्चीस के लिए काम आएगा थोड़े दिन बाद सब यहाँ मिलेगा आपको नाउ गो टू फ्री रिसोर्सेज यू गो टू फ्री रिसोर्सेज आपको मिलेगा देखो ये देखो ये रहा है एस आर ई डाउनलोड करो एस आर एस डाउनलोड करो चलो टैक्स वर्ड तो भी है नहीं अपने को एस ए डाउनलोड करो ऐसे कहने से पास्ट ट्रेंड है हमारी ये ई एस जी के नोट्स है डिजिटल ऑडिट के नोट्स है कारो के हैंड रिटर नोट्स है एफ एम ए एफ एम के कुछ सुपर सिक्सटी क्वेश्चन है यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स इट्स अ फ्री रिसोर्स गाइज आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू स्टिक टू आई स्ट्रिक्ट मटेरियल डाउनलोड द नोट रट्टा मार लो नहीं समझ में आ रहा है आपने कहीं और टीचर से पढ़ा है क्रैश कोर्स ले दो बट मेक श्योर यू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल हमने जो क्रैश कोर्स लिया था अभी उसमें हमने मैंने मॉडल के पीछे के क्वेश्चन करा क्योंकि वो अपने क्वेश्चन बुक में पूरे कवर्ड है ठीक है नंबर टू हमने मई चौबीस का पेपर पूरा क्लास में सॉल्व किया तब जाके समझ में पेपर बाहर तो आया ही नहीं था पेपर तो बुक से आया था

के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करो समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है पेपर में कहानियां है कहानियां बता दिया देखो ऊपर कहानियां कहानी बनकर और बच्चे वहीं घूम जाते हैं और पेपर चेकर को मॉडल का ही कंटेंट चाहिए कहीं से कुछ नहीं चाहिए उसको मॉडल का चीजें मैच होनी चाहिए हाँ ऊपर नीचे चलेगा पर मैच करके दो उसको इंग्लिश में मैच करनी पड़ेगी मोदी जी नहीं बन सकते मन की बात नहीं चलेगी अपनी अपने को मॉड्यूल से मैच करना पड़ेगा समझा आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और यू कैन कॉल दो नंबर आपको डिस्प्ले कर रहा है एट फोर फोर एट फोर फोर एट नाइन आप देख सकते हो उसको एंड गाइज मेक मैक्सिमम बेनिफिट इन दिस नोर ट्वेंटी बिकॉज थिंक वो गेट मोर टफ फॉर इन फ्यूचर अटैम्प ओके और यू कैन कॉल ऑन ऑल्टरनेट नंबर वो भी लिखा नीचे Do like the video, comment and share with your friends and subscribe to the channel.